हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेखक दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर अनएकेडमी का एजुकेटर। आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं और ये मेरे दिल के बड़ा करीब भी है और वो है कंप्लीट स्ट्रेटजी फाउंडेशन फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स 2021 22 एंड 23 यानी 2021 में जो बच्चे आईएएस करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं आईएएस का, 2022 में करना चाहते हैं, 2023 में करना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी यानी बिल्कुल जैसे कि वो आप देख सकते हैं कि जो मतलब मछली की आंख है उसे भेद सकें और अपने टारगेट को प्राप्त कर सके। ये मैंने महत्वपूर्ण क्यों समझा, पहले एक बात बता दूं आप लोगों को, महत्वपूर्ण मैंने इसलिए समझा क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे इतने वर्षों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा, चूंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूं यूपीएससी का ही और इंटरव्यू तक मैं पहुंचा हूं, तो मैं जो महसूस कर पाता हूं, अगर नींव कमजोर है आपकी, अगर नींव कमजोर है तो स्वाभाविक है इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। तो फाउंडेशन का मतलब नींव ही है, यानी कि जब आप तैयारी करते हैं, अगर तैयारी करने से पहले अगर आपको ये सारी बातें बता दी जाए, कौन सी सारी बातें, जैसे एग्जांपल्स, पहला कि यूपीएससी कितना चैलेंजिंग है, पहले अगर चैलेंजिंग है तो इस चैलेंज को पार करने के रास्ते क्या है, दूसरा, तीसरा, फिर रास्ता, यानी रास्ता मतलब प्रीलिम्स का रास्ता, मुख्य परीक्षा का रास्ता, इंटरव्यू का रास्ता, तीनों रास्तों पर अलग अलग विस्तृत ओरिएंटेशंस आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके पश्चात आपको यह बताना पड़ेगा इन तीनों रास्तों को प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना क्या है। फिर यह बताया जाए आपको अगली चीज कि भाई पढ़ना जो है वो तो समुद्र सा है, यानी समुद्र में तैरने जैसा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि काम भर का तैर के वापस आ जाएं या आप समुद्र पार करना चाहें तो समुद्र पार तो नहीं कर पाएंगे, डूबेंगे आप, क्योंकि उसका तो कोई और छोर नहीं है। तो यानी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उससे भी इंपॉर्टेंट दोनों, और जो पढ़ना है उसको भी किस मैनर में पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है या एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है, यानी आप पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं या नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, इसमें भी बड़ा डिफरेंट है, डिफरेंस है, क्षमा चाहूंगा। फिर सिलेबस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर वो करा दिया जाए सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, फिर आपको किस प्रकार से किसी के साथ जुड़ना है क्लासेस में, अगर ये पहले से बता दिया जाए, विचार करिएगा। तो ये सारी चीजें फाउंडेशन में की जाती हैं, पर दुर्भाग्य आप लोग जब फाउंडेशन अटेंड करते होंगे तो फाउंडेशन सीधा किसी न किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाता है, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, किसी से भी, और आपके पोस्टर बॉय टाइप के कुछ टीचर्स की पिक्चर लग जाती है और आपको लगता है कि अब यहीं से मेरा जीवन पलट जाएगा, लेकिन वो विषय आप पढ़ते हैं समझ में भी आता है और भी सब कुछ होता रहता है, लेकिन ओरिएंटेशन क्लासेस ना होने के कारण, यानी फाउंडेशन कैसे डाली जाए, जो विषय मैंने उठाए इनकी समग्र समझ ना होने के कारण, अगर क्लास हो भी जाती है और आप समझदार होते हैं, मेधावी होते हैं, तब भी बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो अनसुलझे रहते हैं, अनसुलझे प्रश्न कैसे सुलझाएं, फाउंडेशन उसी को कहते हैं। यानी आप विषय पढ़ने से पहले, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री जाने से पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि फाउंडेशन बैचेस जो होते हैं, अगर वो मजे हुए लोगों के हाथ में है तो स्वाभाविक है बच्चा पहले ही दिन से रॉकेट की तरह हो जाता है। याद रखिएगा, रॉकेट की बात मैं कर रहा हूं जो सीधी उड़ान ऊपर की तरफ भरता है, गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने की शक्ति उसमें होती, उसे ही हम रॉकेट कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर हो जाती है चूंकि उसे पता लग जाता है एक्चुअल है क्या, उसे यह पता लग जाता है एक्चुअल है क्या। इसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हुए फिर आगे बढ़ूंगा, मैं इसे जीवन की सच्चाई से जोड़ना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा के दरबार में बड़ा महल था उनका, बहुत
बड़ा महल। एक साधु महापुरुष पहुंचे, फाउंडेशन की बात मैं कह रहा हूं, जीवन की समझ की बात, वहां यहां जीवन की समझ की बात हो रही, जीवन के मूल्य की बात हो रही, और यहां पर फाउंडेशन यानी यूपीएससी की तैयारी में न्यू कैसे पढ़े उसकी बात हो रही। कॉमन है कहानी को, आप अपने से इंटर रिलेट करिएगा। वो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे इस होटल में, वो उनके महल को होटल कह देते हैं, क्या तुम्हारे होटल में, तुम्हारे सराय में, तुम्हारे विश्राम गृह में मुझे एक दिन का विश्राम मिलेगा? मैं यात्रा पर हूं, पर आज यात्रा में मुझे विश्राम करना है, तो मैं तुम्हारे होटल में, तुम्हारे मकान में, तुम्हारे विश्राम स्थल में रहना चाहता हूं, क्या मुझे एक दिन मिलेगा? राजा कुपित, क्रोधित, गुस्से में आ गए, मेरा होटल, आप इसे विश्राम स्थल कह रहे हैं, ये हमारा महल, ये होटल है, विश्राम स्थल है, सराय है, आपको दिख नहीं रहा ये होटल है? क्रोधित थे संत, शांत वैसे ही गंभीर मुस्कुराया। उन्होंने उनसे पूछा, देखिए न्यू फाउंडेशन, फाउंडेशन उनकी कमजोर थी जीवन के प्रति, आश्रय के प्रति, विश्राम के प्रति, होटल के प्रति, वो समझ नहीं पाए कि संत का आश्रय क्या है, क्योंकि संत तो हर चीज को होटल लेगा ना, आश्रय लेगा, चूंकि उसे जीवन के सत्य का पता है। तो उन्होंने कहा, राजन तुम्हारे पिता कहां रहते थे? इसी होटल में जिसे आप महल कह रहे? उन्होंने कहा, ऑब्वियस है यहीं रहेंगे, गुस्से में थे ही वो। तुम्हारे दादा कहां रहते थे? उन्होंने कहा यहीं रहते थे, और कहां रहेंगे? उनके पिता कहां रहते थे? और ऐसे ही उन्होंने कई पीढ़ियों की बात की, और राजा प्रत्येक बार कुपित होकर के, क्रोधित होकर के यही कहते कि यहीं रहते थे और कहां रहेंगे। तो उन्होंने कहा, राजन तो क्या आज वो है यहां? तो इसका मतलब ये क्या है? ये केवल कुछ पल का रैन बसेरा है, यह आश्रय है, यह होटल है, यह विश्राम स्थल है। कल किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। राजा तुरंत संत के पैरों में गिर पड़ा और उसे जीवन का और जीवन की सत्यता का आभास हुआ, और संत का उद्देश्य पूरा हुआ। वो उसे यही बताना चाहते थे कि तुम अपने मैल में, वैभव में सर्वस्व मत खर्च कर दो, प्रजा का कल्याण करो, क्योंकि यह एक होटल है, आज कमरे तुम्हारे हैं, कल वो कमरा किसी और का होगा। तो ये कहानी, ये नींव डाली उन्होंने, उन्होंने उनका फाउंडेशन कमजोर हो गया था, संत ने नींव डाल दी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज वही नींव आपके अंदर डालूं। उनके लिए जीवन की नींव थी, जिसे महात्मा बुद्ध भी तो ऐसे ही थे, जीवन को समझा, सर्वत्र दुख, और फिर मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग। तो इसका मतलब है वही चीज आज मैं न्यू आपके अंदर डालना चाहता हूं, जिससे आपको सत्य का आभास हो। बहुत छोटा लेक्चर लूंगा, लंबा नहीं है, बस फाउंडेशन के बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन उसके पहले स्वाभाविक है, जानना चाहिए आपको, डेली 9 लाइव द हिंदू फाउंडेशन बेटा, चाहे आपका 21 में देना हो, 22 में, द हिंदू के बगैर काम चलेगा नहीं। और जिनको भी ये लगता हो हिंदू कैसे पढ़े, क्या पढ़े, नोट्स कैसे, तो ये सारा लेक्चर आपके लिए मैंने यहां पर यानी कि इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप इसे जरूर देखिएगा। याद रखिए 9 फरवरी संडे 9 AM का पूरा एक लेक्चर है द हिंदू पर, आप जरूर उसको देखिएगा। इसके अलावा हमारा प्लस प्लेटफॉर्म आप सबको पता है, हमारा प्लस प्लेटफॉर्म याद रखिएगा, ढेर सारे एजुकेटर्स, उन्हीं में से मैं भी, और जिस प्रकार से आप ऑफलाइन क्लास की उम्मीद करते हैं वैसी ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस यहां पर चलती हैं। और जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 15 फरवरी से याद रखिएगा फाउंडेशन बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर बिगिनर्स, 2 साल का ये बैच जबरदस्त, 2021-22 में जो देना चाहते हैं फाउंडेशन उनके लिए ये मैं जबरदस्त प्लानिंग कर रहा हूं। और देख सकते हैं आप 2 साल का एडमिशन फीस, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं
तो कितना सस्ता है, इसीलिए मैं कहता हूं प्लेटफॉर्म, यानी आप लाखों रुपया दे करके धोखा खा जाते हैं 57,600 रुपए में 2 साल। एसके लाइव मेरा कोड है, इस कोड, इस रेफरल कोड के साथ हम आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यानी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, याद रखिएगा 57,600। इसके अलावा जो बच्चे 2020 को अपना टारगेट बनाए हैं उनके लिए प्रीलिम्स मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव बैच मैं ले रहा हूं, टॉप 50 चैप्टर्स फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा आंसर राइटिंग, जीएस पेपर 1, 2, 3, ये पूरा आंसर राइटिंग और एथिक्स और ऐसे की विस्तृत क्लासेस प्री के तुरंत बाद 1 जून से आपको मिलेंगी, याद रखिएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय आप अगर लेना चाहते हैं तो नया बैच मेरा यहां पर प्रारंभ हो रहा है, आप वहां पर आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं, एडमिशन के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी फाउंडेशन पर आईएएस एक्सपीरियंस 2021-22 और 23। संपूर्ण रणनीति आईएएस 2021-22 और 23, याद रखिएगा। तो सबसे पहले भागीदारी का क्राइटेरिया आप सब ये जान लें, उम्र कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 30, याद रखिएगा, पर अटेम्प्ट अब बाद में बढ़ाए गए। जनरल मैक्सिमम एज 32, अटेम्प्ट 6, याद रखिएगा। ओबीसी मैक्सिमम एज 35, ये पहले था याद रखिएगा, अब चेंज किया गया, अटेम्प्ट 9। एससी एसटी मैक्सिमम एज 37, अटेम्प्ट टिल एज लिमिट, और पीएच हैंडी यानी फिजिकली हैंडीकैप एज 42 टिल एज लिमिट, याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा है, क्लियर है, तो उम्र और अटेम्प्ट तो ये आप देख सकते हैं। अब वर्तमान में उम्र और अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट ये आपके सामने है, पहले ये था लेकिन इसमें अब वर्तमान में ये चल रहा है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या है, दिमाग को तैयार करना, यानी अगर आप फाउंडेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को तैयार करना, यानी एज आपकी उम्र समझ, याद रखिएगा। टारगेट यूपीएससी आईएएस आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट कैसा है, तो आपको अपने दिमाग को तैयार करना है, याद रखिएगा। 18 साल 19 साल 20 साल आपकी उम्र है और अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला, आप अपने दिमाग को कैसे तैयार करेंगे? तो सबसे पहले अपने दिमाग को आपको प्रिपेयर करना है, पहली चीज कि हां मैं करने जा रहा हूं, मैं करने जा रही हूं और मैंने डिसीजन ले लिया है। क्योंकि जब तक आप डिसीजन लेने के लिए अपने मन को 100% राजी नहीं करेंगे तब तक आपके मन में डाउट चलता रहेगा, अरे यार एडमिशन ले लें ना लें, पढ़ें ना पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें क्या पढ़ें, तमाम प्रकार के कंफ्यूजन रहेंगे। तो सबसे पहले अपने मेंटल स्टेटस को एकदम बना दें कि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, और जैसे ही आपका ये बना कि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं फिर उसके बाद सारी चीजें आगे, यानी सबसे पहले अपने आप फिट हो जाएंगी, सबसे पहले अपने दिमाग को आप रेडी कर लें, याद रखिएगा। सबसे पहले तैयार, यानी जब तक डिसीजन नहीं लेंगे कि मैंने चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है नहीं दे रही, तब तक आप देख कैसे पाएंगे, याद रखिएगा। तो पहली चीज तो यह है कि अपने माइंड को आप मेकअप करें, याद रखिएगा। फिर क्या करें, दूसरा है मेंटोर और कोच का चयन करें, क्यों, क्योंकि आपका टारगेट यूपीएससी है, क्लियर है। अर्जुन यहां थे, कृष्ण यहां थे, याद रखिएगा, कृष्ण को युद्ध नहीं करना था, उन्होंने शपथ ली थी कि वो युद्ध में भागीदारी नहीं करेंगे शस्त्रों के माध्यम से, याद रखिएगा। यानी टारगेट क्या है आपका, कुरुक्षेत्र था, इनको भी आवश्यकता पड़ी, अर्जुन को भी, याद रखिएगा। आपका टारगेट यूपीएससी है तो आपको भी याद रखिएगा क्या चाहिए, कोई एक मेंटोर आपको आवश्यक होगा। तो फाउंडेशन में तैयारी करने की ठान लेने के बाद, तमाम प्रकार के सिस्टम को हटा लेने के बाद, दूसरी चीज आपको मेंटोर चूज करना पड़ेगा, और वह मेंटोर एबीसीडी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, पर अगर आपको मैं पसंद हूं तो मैं भी हो सकता हूं, याद रखिएगा। आप मुझे भी अपना मेंटोर और बना सकते हैं और मैं आपका मेंटोर बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैं नई उम्र के बच्चों को कहीं ना कहीं बेहतर डायरेक्शन दे पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए उपलब्धि होती है अगर आप मुझे अपनाते हैं। तो फिर भी अगर आपको लगता है एबीसीडी, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, यहां पर मैं बायस्ड होकर के एक शब्द नहीं बोलूंगा, ईमानदारी अपनी छोड़ूंगा नहीं कि आपको मेरे साथ आना, जी नहीं, मैंने कहा मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा, मैं एक भूखा इंसान हूं जो हिंदी माध्यम के लिए भूखा है, तो शायद मेरी कार्य करने की एनर्जी, कार्य करने की एफिशियंसी, कार्य करने की ऑनेस्टी का लेबल
अन्य लोगों के मुकाबले मुझे पता अंदर से बहुत ज्यादा है। तो मेरे साथ जुड़ के शायद आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं आप अपनी सफलता के लिए भूखे हैं और मैं अपनी सफलता के लिए मैं हिंदी माध्यम को पूरा बदल देना चाहता हूं। तो मैं भी भूखा हूं, सामने वाला भी अगर भूखा मिल गया तो दो भूखे मिल करके इतिहास रच सकते हैं। तो ये मेरी कार्य संस्कृति है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आपका टारगेट यूपीएससी आईएएस है तो टारगेट तक पहुंचाने वाला मेंटोर आपको चाहिए चाहिए, ऑप्शन नहीं है। यहां पर आप किसी को एबीसीडी जिसको भी आप चयनित करना चाहें, लेकिन एक तो रखना ही पड़ेगा आपकी लाइफ में, और अगर आपको लगता मैं हूं तो मुझे भी आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेंटर क्या करेगा, आपको राह दिखाएगा। तो पहले दिमाग, फिर उसके बाद गुरु, और फिर उसके बाद तुरंत क्या करेगा, गुरु की पहली जिम्मेदारी क्या होगी, सिलेबस की समझ, यानी कि प्री में क्या है सिलेबस, यानी जीएस का भाई क्या हिसाब किताब है, सी सेट का भाई क्या हिसाब किताब है, जीएस में अमूमन जो मेरिट है वो कैसे निर्धारित होती है, सी सेट को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, फिर मेंस कैसे पढ़ा जाता है, मेंस को कैसे जो है, मेंस का सिलेबस क्या है, पेपर वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, फोर क्या है, एसे क्या है, ऑप्शनल को कैसे चूज करना होता है, बेटे ऑप्शनल भी चूज करना है, याद रखिएगा, यानी मेंस जीएस ऑप्शनल इसको लेकर के दुविधा होती कौन सा ऑप्शनल ले, ये सारी चीजें कंपलसरी पेपर इंग्लिश हिंदी आपको पास करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो यानी अगली चीज होती है पहले दिमाग को दौड़ाएं, फिर दूसरी चीज क्या होती है, मेंटोर का चयन करें, तीसरा सिलेबस की समझ विकसित करें। जिन बच्चों को सिलेबस की समझ विकसित करनी है, याद रखिएगा इसी चैनल पर मेरा जो है वीडियो पड़ा हुआ है, आईएएस की उम्र, सिलेबस, क्वालिफिकेशन और इन सबके नाम से दो लेक्चर पढ़े, आप देखोगे मैंने पूरा विस्तृत रूप से वहां डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहां मैं केवल संक्षेप में आपसे बातचीत करना चाहता हूं, क्या क्या करना चाहिए याद रखिएगा। तो तीसरी चीज आपको फाउंडेशन में जाने से पहले आपको ये सारी चीजें, या फाउंडेशन जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो। फिर पैटर्न की समझ अगली चीज क्या है, चौथी चीज, यानी पहला क्या हो गया, आपने निर्णय ले लिया, दिमाग को तैयार किया, दूसरा आपने मेंटोर चुन लिया, तीसरा आपने और आपके मेंटोर ने मिल करके सिलेबस की समझ विकसित कर दी, और चौथा क्या हो गया कि जब सिलेबस की समझ विकसित की, आपने समझा, मेंटोर ने समझाया, तो पैटर्न की समझ आपके पास आ गई। और पैटर्न की समझ कैसे आएगी, तो प्री के प्रश्नों को, मेंस के प्रश्नों को, इंटरव्यू के प्रश्नों को, यानी कि कौन से पूर्व वर्षों यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्री के प्रश्न, मेंस के प्रश्न, इंटरव्यू के प्रश्न, इसका भी सिलसिला होता है यूट्यूब वगैरह पे आप चेक करेंगे तो इसके बाद पूर्व के प्रश्नों, विशेषकर 10 वर्ष के आधार पर एक ट्रेंड एनालिसिस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एक ट्रेंड एनालिसिस निकाला जाता है, याद रखिएगा। और इसका आधार क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो मैंने पहले ही बता दिया। इसके पश्चात जब आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो पैटर्न, सिलेबस के बाद पैटर्न आपको क्लियर समझ में आता है, और जैसे ही क्लियरली ये समझ में आता है आपको यूपीएससी का रास्ता दिखाई पड़ने लगता है, याद रखिएगा। नहीं तो बच्चे तीन तीन चार चार साल तैयारी करते रह जाते हैं, ये दरवाजा, वो सिलेबस ही कंप्लीट करने में लगे हैं, दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं है। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आपका ध्यान वहां हो, सिलेबस अधूरा भी रहेगा तब भी आप पहुंच जाएंगे, याद रखिएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, यानी चार चीज हमने कर लिया, सबसे पहले हमने दिमाग को तैयार किया, आपने मेंटोर का चयन किया, आपका दिमाग यानी आप और आपका मेंटोर, मेंटोर का दिमाग मिल करके सिलेबस को समझे, उसके बाद उन्होंने उस सिलेबस के आधार पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का मूल्यांकन किया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के मूल्यांकन के आधार पर प्री और मेंस का ट्रेंड एनालिसिस निकला कि इस प्रकार का पैटर्न हमें लेकर के चलना, यानी किस प्रकार का पैटर्न लेकर के हमें चलना है। अब जब यह पता लग गया कि सिलेबस भी, पैटर्न भी, मेंटोर और स्टूडेंट साथ में आ गए, अब अगला चरण क्या होगा, तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। यानी तैयारी कैसे प्रारंभ करें, तो पांचवी चीज है, इसमें भी स्टेजेस में हम क्या करते हैं, आप लोग विचार करिएगा, आपके हित्र मित्र जहां भी पढ़े होंगे, आप पूछिएगा, जैसे इतिहास से बैच स्टार्ट, भूगोल से बैच स्टार्ट, माने बैच स्टार्ट हो रहा है, इन सब पे चर्चा कौन करेगा, बच्चे का दिमाग कैसे कूल रहेगा, वो तो परेशान रहेगा ना,
दो साल के बाद उदास हो जाएगा, फिर केवल पीसीएस की तैयारी करेगा या और छोटे एग्जाम में सोच के आया था आईएएस, और जितने छोटे एग्जाम होते हैं सब में अटेम्प्ट कर रहा है। वाई? और उधर क्या है, इंग्लिश मीडियम वाला आईटी आईएम पीएमटी जॉब छोड़ के आ रहा है, तो आपकी मारक क्षमता उसकी मारक क्षमता कैसी होगी? उस वो टॉप छोड़ के आ रहा है, उसे टॉप चाहिए, तो आईएएस की तरफ उसकी उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा फोर्सफुल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और हमारा क्या, हम तो आईएएस के लिए आए थे, कुछ भी मिले तो हमारा एटीट्यूड क्या हो गया, कुछ भी वाला हो गया, तो हमारी मारक क्षमता कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तब एक मजबूत मारक क्षमता, एक हमारी कमजोर मारक क्षमता, दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? मजबूत वाला, इंग्लिश मीडियम का जो टॉपर स्टूडेंट है, क्योंकि वो आईटी छोड़ के आ रहा है, पीएमटी छोड़ के आ रहा है, और हम तो छोटा भी देख रहे हैं, कुछ हो जाए। तो इसलिए तैयारी स्टेजेस में होनी चाहिए। प्रथम चरण सबसे पहले होता है ज्वाइन ओरिएंटेड क्लास, ओरिएंटेशन क्लासेस, यानी ओरिएंटेशन क्लास होती है। रीजन व्हाई, क्यों आपको ओरिएंटेशन क्लास, ओरिएंटेशन का मतलब होता है बच्चों आपको समझाना, आपकी नींव डालना, यानी कि भैया प्री क्या होता है, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं, इतिहास भूगोल, भाई मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, अच्छा कंपलसरी क्या होता है, और एक ही दिन नहीं, रोज रोज एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक दिन, ऐसा क्लियर है सी सेट क्या होता है। अब यह नहीं कि तुरंत मैथ पढ़ाने लग जाओ, नहीं, धीरे 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 ओरिएंटेशन, दिमाग को तैयार कर। क्यों ओरिएंटेशन क्लास, रीजन क्या है, तो आपके सामने देख सकते हैं, फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, जिससे आप सकारात्मक रहें, आपको पता हो पहले से ही 10-15 क्लासेस में, हाँ यार हमें आगे करना क्या है, तो बीच में नेगेटिव मेंटेलिटी जो इर्द गिर्द होते हैं वो आपको तोड़ नहीं पाएंगे, आपको कमजोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही आपको ओरिएंटेशन में पता होगा कि आपका मार्ग क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब मार्ग दिखाने वाला सेशन, मार्ग दिखाने वाला सेशन, याद रखिएगा, मार्ग दिखाने वाला सेशन, ये हो गया आपका ओरिएंटेशन क्लासेस। फिर इसके बाद क्या, डीमोटिवेशन से बचाओ, क्या है डीमोटिवेशन से बचाओ, क्या करना है कि डीमोटिवेशन से बच, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि हमने क्या करना है, कि हमारे मेंटोर ने सब चीजें पहले से हमें डायरी में लिखवा दी है, यानी 5-7 डायरी आपकी पहले तैयार होगी, जिसमें विषय कुछ नहीं लिखा है, इतिहास भूगोल, केवल आपको बस कि जब भी आपका मन किसी प्रकार से दुखी हो तो आप उठा करके डायरी चेक करें, नहीं यार हम तो सही रास्ते पर चल रहे, क्योंकि इसमें एक भी अटेम्प्ट लग सकता है, दो भी लग सकता है, 5 भी लग सकता है, यह याद रखिएगा। तो फिर अंततः क्या होता है ना, जो बच्चा इस प्रकार से डीप मोटिवेट नहीं होता, अपना टारगेट वो अचीव ही कर लेता। फॉर माइंड मेकअप, यानी कि दिमाग को तैयार करने के लिए, फॉर इज आप स्टडिंग इज, पढ़ाई को आसान करने के लिए, यानी ओरिएंटेशन क्लास, यानी 10 से 15 लेक्चर तो केवल ओरिएंटेशन पे हो, एक एक घंटे का, क्योंकि आप अपनी जिंदगी सौंपने जा रहे हैं 21 वर्ष से लेकर के, अगर असफल रहते हैं तो 32 वर्ष तक जनरल, फिर ऐसे ओबीसी, सबकी अपनी अपनी एज, यानी पूरा डिकेड या तो बर्बाद हो जाएगा या तो फिर आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि पूरा समाज, पूरा राष्ट्र आपको क्या लगेगा, आप पर गौरवान्वित महसूस करेगा। दोनों चीजें हैं, याद रखिएगा, समाज सम्मान भी कर सकता है और समाज गाली भी दे सकता है, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता यही समाज आपको नकारा कह देता है। तो फॉर इज ऑफ स्टडिंग, यानी वो सारी बातें बता देता है किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद द्वितीय चरण में तैयारी में क्या करना चाहिए, विषयों का चयन करना चाहिए, यानी कि जीएस कैसे पढ़ेंगे, किस पर कितना फोकस करेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे कि पास होने के लिए पढ़ेंगे, ऑप्शनल को चूज करना, यानी ऑप्शनल क्या लें, जो आपकी रुचि है या जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा है, सफलता का प्रतिशत अच्छा है, तो आपको इसमें ये कौन बताएगा कि आपकी रुचि अच्छी है कि सफलता का प्रतिशत अच्छा है, तो स्वाभाविक आपकी रुचि से ज्यादा सफलता का प्रतिशत, ये कौन बताएगा, मेंटोर बताएगा, कहां से बताएगा, upsc.gov.in पर पूरा सभी विषयों का सक्सेस रेशियो पड़ा है जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा ऑप्शनल श्रेष्ठ है। देखिए यहां मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जबकि मैं कोई ना कोई ऑप्शनल पढ़ा रहा हूं इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं निष्पक्ष होकर के आप लोगों के दिमाग को तैयार करना चाहता हूं। फिर इसके बाद तृतीय चरण तैयारी की शुरुआत, अथ श्री महाभारत कथा, ये मैंने इसलिए लिखा है चूंकि महाभारत ही है, पर अगर वहां पर कोई सूत्रधार है तो, अगर आंखें नहीं है, याद रखिए, अगर कोई सूत्रधार है तो आंखें नहीं है तो भी आप महाभारत का युद्ध देख सकेंगे, जैसे धृतराष्ट्र
ने देखा था, संजय अपनी आंखों से देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। धृतराष्ट्र वैसे ही याद रखिएगा। तो क्या है आपको अथश्री महाभारत तैयारी की शुरुआत, क्लियर है। श्री कृष्ण क्या थे, सारथी थे पर युद्ध के सूत्रधार थे। तो और फिर महाभारत जीता गया जिसके पक्ष में वो रहे। तो यानी कि फिर प्रथम चरण याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या है, अगली चीज आपको फाउंडेशन में क्या ध्यान में रखनी है। तैयारी तो आपने प्रारंभ कर दी, अथश्री महाभारत का था एटीट्यूड। क्या है एटीट्यूड, याद रखिएगा। अभिवृत्ति, अगर अभिवृत्ति पॉजिटिव नहीं है तो आप बहुत फंसने वाले, चूंकि आपके इर्द गिर्द ना जाने कितने असफल लोगों की भीड़ लगी हुई है जो खुद नेगेटिव है और एक दिन आपको भी नेगेटिव की तरफ लेकर के चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, याद रखिएगा। अगर ईश्वर ने आपको उससे नवाजा है तो नेगेटिव लोगों के लिए इसे खोइएगा नहीं। तो एटीट्यूड हो गया, यानी 1 2 3 4। ये मैं क्या कह रहा हूं, एक अटेम्प्ट भी लग सकता है, दो भी लग सकता है, तीन भी लग सकता है, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, कितना भी अटेम्प्ट लग सकता है, पर अगर पॉजिटिव है तो याद रखिएगा आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एक टीम के रूप में आप खेलेंगे, आप, आपका, आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका मेंटोर, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, लंबे टाइम तक ये साथ रहेंगे, एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष, छह वर्ष। अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ दिन पढ़ेंगे किसी एक छोटे से इश्यूज से इश्यू बना करके और आप अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाएंगे। याद रखिएगा, मेंटोर को भी नुकसान होगा कि उसने एक अच्छा होनहार बच्चा खो दिया जो शायद इतिहास बना सकता था। ऐसा नहीं कि मेंटोर दुखी नहीं होगा, लेकिन नुकसान उसमें बच्चे का अधिक होता है क्योंकि मेंटोर के पास तो फिर कोई दूसरा होनहार आएगा, लेकिन जो बच्चा पीछे छूटा, याद रखिएगा क्या उसको वैसा मेंटोर मिल पाएगा। तो एटीट्यूड याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, कितना भी अटेम्प्ट लग सकता है तो आप ये विचार करिएगा। अब अगर आप लोग मुझे मेंटोर चुनना चाहते हैं, याद रखिएगा, अगर मुझे मेंटोर चुनना चाहते हैं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे अगर, मैं अगर लगा रहा हूं, आप ना चुने पर अगर चुनते हैं तो याद रखिएगा इसी प्लस प्लेटफॉर्म पे, यानी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के साथ आप मेरे साथ फाउंडेशन बैच पे 15 फरवरी को जुड़ सकते हैं। कम एंड ज्वाइन इसके लाइव, अगर, क्योंकि मैं, मुझे पता है मैं वह सूत्रधार बन सकता हूं जो आपकी अथश्री महाभारत कथा को उसकी पूर्णता तक, उस आपकी सफलता तक ले जाने में एक आपका सारथी बन सकता हूं। याद रखिएगा, सारथी बन सकता हूं, तमाम रुकावटें आएंगी लेकिन सारथी मजबूत है तो आपको अंत तक लेकर के जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन आपको शुरू करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और अपने इस मोटो के साथ। फिर भी फाउंडेशन अगर आप अभी, याद रखिएगा, भले 18-19-20 साल के, पर द हिंदू पढ़ना जारी रखें, इसे बंद ना करें, इसे अभियान की तरह लें। कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो इस नंबर पर 9871385211 पर कॉल कर सकता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।